कोरोना संक्रमण के दौर में दुनिया भर के वैज्ञानिकों से लेकर खुफिया एजेंसियां इनकी पड़ताल में लगी हुई हैं कि क्या वाकई संक्रमण की जड़ चीन में और WHO की मिलीभगत है। इस बीच कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आई हैं। खुफिया एजेंसी सबकी जांच में लगी हुई है। वैसे फिलहाल जिन खुफिया एजेंसियों के नाम हम बताने जा रहे हैं उनसे पहले भी एक इंटेलिजेंस रह चुकी है। 18वीं सदी में शुरू हुई इल्यूमिनाटी नाम की इस एजेंसी के बारे में माना जाता है कि अब भी दुनिया भर में फैली हुई है और इसके सदस्य चुपके चुपके अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। माना जाता है कि इस संगठन की शुरुआत जर्मनी के बवेरिया शहर में शुरू हुई थी। वहां के एक जाने माने प्रोफेसर और दार्शनिक एडम बिशॉफ ने इसकी नींव रखी थी। जर्मनी में जन्मे और पले बड़े एडम बचपन में ही अनाथ हो गए थे। रिश्ते के एक चाचा की देखरेख में पलते हुए उन्होंने काफी सारी मुश्किलें देखी। भेदभावों के बीच बढ़ते हुए एडम के मन में आ चुका था कि आगे चलकर वो एक समान समाज की शुरुआत करेंगे। पढ़ाई के बाद एडम प्रोफेसर बन गए और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। सीधी सादी जिंदगी बिताते शादीशुदा प्रोफेसर के बारे में किसी को शक नहीं था कि वे भीतर भीतर क्या कर रहे हैं। एडम को यकीन था कि चर्च और कैथोलिक विचारों के कारण सोसाइटी खुलकर नहीं जी पा रही है। यही देखते हुए उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी तैयार करने की सोची जो हर तरह की धार्मिक बंदिशों से मुक्त हो। इसी के साथ इल्यूमिनाटी सीक्रेट एजेंसी की नींव रखी गई। माना जाता है कि मई 1776 में इनके सदस्यों की पहली मीटिंग हुई जिसमें प्रोफेसर के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी के 5 लोग थे। जल्द ही सदस्य बढ़ते चले गए और साल 1784 में ग्रुप में लगभग 3000 सदस्य हो चुके थे। इल्यूमिनाटी को पहले बिना किसी नुकसान का संगठन माना गया लेकिन फिर इसकी अजीबोगरीब बातें निकलकर आने लगी। इस संगठन का यकीन था कि तकलीफ में खुदकुशी सही चुनाव है। इल्यूमिनाटी के सदस्य गलती करने वालों को मौत की सजा देने पर यकीन रखते थे। साथ ही ये धर्म पर यकीन करने वाले मूर्ख हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ऐसी बातें सामने आने के साथ ही इस संगठन पर लगाम कसी जाने लगी। धरपकड़ में सदस्यों के घरों से न दिखाने वाली इंक जब्त हुई जिसमें आपत्तिजनक बातें फैलाई जाती थी। खुदकुशी को प्रोत्साहन देने वाला साहित्य मिला। साथ ही कई अजीबोगरीब एजेंडा पर सत्य का ढेर मिला। तब दुनिया के किसी भी देश में गर्भपात बैन था लेकिन इस संगठन के पास गर्भपात को बढ़ावा देने वाले उदाहरण और उपकरण भी मिले। इसके बाद सरकार ने इस संगठन की सदस्य लेने पर मौत की सजा का फरमान सुना दिया। संगठन के फाउंडर प्रोफेसर एडम को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। वे लंबे समय बाद दूसरी जगह पढ़ाने लगे और अपेक्षाकृत शांत जीवन बिताने लगे। हालांकि उनके बाद भी दुनिया में जो भी हत्या या घटनाएं होती थी माना जाता था कि उनके पीछे इसी सीक्रेट ग्रुप का हाथ था। यहां तक कि साल 1963 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या के पीछे इसी संगठन का हाथ था। कहा जाता है 22 नवंबर 1963 को हुई ये हत्या अब भी अमेरिकी राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। सालों से खुफिया एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे किसका हाथ है लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल सका। असल में कैनेडी की हत्या से ठीक पहले एक संदिग्ध महिला दिखी थी जिसके हाथ में खुफिया कैमरा नुमा पिस्टल था। हत्या के पीछे भी वो औरत जैसे आई थी वैसे ही गायब हो गई। आज तक ये पता नहीं लग सका कि वो महिला कौन थी और कहां से आई थी। कई संगठनों को यकीन है कि सीक्रेसी में जी रहा इल्यूमिनाटी ग्रुप ही इसकी वजह है और वो रहस्यमय महिला इसी से जुड़ी हुई थी। दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही है। इसके बाद पार्ट 2 में इसका बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि इल्यूमिनाटी में ऐसे मेंबर भी हैं जो कि शैतान की पूजा करते हैं। दोस्तों ये बहुत खतरनाक इल्यूमिनाटी ग्रुप है और दोस्तों इसके बारे में मैं और भी कुछ और बातें बताऊंगा। तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर रखिएगा आप और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।